मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे दादा एक राजा की तरह जिए। बचपन से ही मुझे कभी खुशी नसीब नहीं हुई। शायद कुछ लोगों को मां का मतलब नहीं पता, लेकिन मेरी मां मेरे दिल में बसी हुई है। बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। बेटा, मुझे यहां से बाहर निकालो। स्कूल में मैं हर क्लास में अव्वल आता था। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। यहाँ चारों ओर शांति है। ये देश भगवान का देश है। इस देश को सोने की चिड़िया कहते हैं। ये देश बहुत सुंदर है। यहाँ सब मिलके रहते हैं। ये देश हमारा है। ये भारत देश हमारा है। इस देश में हरे भरे खेत है। इस देश के किसान और जवान महान है। रुक जा रुक जा, इसे चक्कर आ जाएगा। अब चल चलते हैं। ए, कहाँ जा रहे हैं? जवाब तो देता जा। ए, चल इसे जवाब दे। सवाल का जवाब था 156। इसने मुझे 12 बार छुआ था, 30 पत्थर फेंके, 9 बार घंटी बजाई। ए, इसने उल्टा खड़े होकर भी जवाब दिया है। सही जवाब दिया है ना इसने? ए, जवाब सही है। अब घूम जा। ए, इसके साथ पंगा लिया तो बहुत महंगा पड़ेगा, समझा? चल अब चलते हैं। अब हम यहाँ के बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है ना? क्या तुम पागल हो? अजीब से सवाल पूछते हो? बैठ जाओ। मम्मी बचाओ। ए, सब बोर्ड की तरफ देखो। जब भी इनसे कुछ पूछूं, इनका जवाब यही होता है, इसलिए मैंने पूछना ही छोड़ दिया। क्यों सर, अपने प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं? अरे काहे का प्रमोशन, छठी क्लास में एक स्टूडेंट है, बड़ा बदमाश, ऐसे सवाल पूछता है कि मैं जवाब ही नहीं दे पाता। ऐसा क्या पूछ लिया उसने? उसने मुझसे पूछा कि चांद पर बायां पैर पहले किसने रखा। अरे आर्मस्ट्रांग ने। आर्मस्ट्रांग ने दाहिना पैर पहले रखा था। उस बदमाश ने मुझसे पूछा कि बायां पैर किसने रखा। बायां पैर पूछा? सर सवाल हमें पूछने चाहिए, ना कि उस लड़के को। क्लास पर जरा कंट्रोल रखिए, किताब कॉपी साइड में रखिए और उसकी धुलाई कीजिए। निकलो मेरी क्लास से, निकलो मेरी क्लास से। अजीब अजीब सवाल पूछते हो, बदमाश कहीं का। अब तू कहाँ जा रहा है इसके साथ? तू भी इसके बगल में खड़ा रहेगा या बैठ अपनी जगह? चल जा, जा यहाँ से, बेवकूफ कहीं। ए, वो आंखें फाड़ फाड़ के मुझे क्या देख रहा है? बोर्ड की तरफ ध्यान दे। लेकिन सर बोर्ड पे कुछ लिखो तो सही। मुझसे जबान लड़ा रहा है? ए, कल स्कूल में अपने बाप को अपने साथ ले आना। अजीब अजीब सवाल पूछ के इसने नाक में दम कर रखा है। सर सवाल पूछता है तो तुम्हें जवाब देना होगा। नमस्ते सर। हाँ आइए। इसमें गलती तुम्हारी है। अगर तुम सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो तुम टीचर कहलाने के लायक नहीं हो। अगर स्टूडेंट एक सवाल करता है तो तुम्हें 10 जवाब देने चाहिए। यही हमारा काम है, इसीलिए तुम्हें तनख्वाह मिलती है। आप बच्चे की फिक्र मत कीजिए, इसे वापस क्लास में भेजिए, मैं संभाल लूंगा। अगर इसे सही शिक्षा दी गई तो आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसकी वजह से हमें कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। जरा अपने बेटे सुरेश को देखो, इसे हर परीक्षा में 0 मिला है। कुमार को रास्ते से हटाने के बाद ही सुरेश तरक्की कर पाएगा, ये बात याद रखना। अरे ईरा, तुम 2 दिनों से अपने घर नहीं गए हो, जाके अपनी बेटी से मिलकर आओ। कोई बात नहीं। मैंने कहा ना तुम जाओ जाओ। कुमार ये क्या कर रहे हो तुम? स्कूल जाने के बजाय ये काम क्यों कर रहे हो? मेरा बैग और स्कूल यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है दादाजी। माँ ने कहा है गोबर साफ करूंगा तभी मुझे खाना देगी। तुम्हारा बाप कहाँ है? ये टीचर से अजीब सवाल पूछता है पिताजी, ऐसे सवाल कि उन सवालों का जवाब टीचर के पास भी नहीं होता। वो टीचर भी पढ़े लिखे नहीं होंगे तभी इसके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसकी माँ की तरह कुमार भी उसी बीमारी का शिकार है, इसीलिए अजीब हरकतें करता रहता है। इसकी वजह से दूसरे बच्चों को तकलीफ हो सकती है, इसीलिए मैंने इसका स्कूल जाना बंद करवा दिया है। दादी मेरी माँ को क्या हुआ था? मुझे नहीं पता बेटा, सब लोग कहते थे वो पागल है। कुछ दिनों के बाद वो गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। कुमार बेटा तू रो क्यों रहा है? मुझे माँ चाहिए। चुप हो जा, मैं हूँ ना बेटा। ससुर जी हमेशा उसे ही प्यार करते हैं, कभी मेरे बेटे को प्यार नहीं किया। क्या ये उनका पोता नहीं है? क्या आपका बेटा नहीं है ये? ऐसी बात नहीं है, पिताजी सुरेश को भी प्यार करते हैं।
पता है पता है, मुझे उनका प्यार नहीं उनकी दौलत चाहिए। तुम कुछ मत करना, पहले सारी जायदाद मेरे बेटे के नाम लिखवा कर लाओ। हो जाएगी, आओ। मुझे हाथ मत लगाओ। आओ ना। कहाँ ना जाओ? चुप रह, बकवास मत कर। ऐसा करने की क्या जरूरत आन पड़ी? सब कुछ तुम्हारा तुम्हारे बेटे का ही तो है। ए हीरा। हाँ मालिक। जा गाड़ी निकाल। पिताजी ने कहा कि वो सब कुछ मेरे नाम कर देंगे। बहरी नहीं हो, मेरे पास भी कान है। मुझे सबसे ज्यादा प्यार मेरे दादाजी ही करते थे और अचानक उनकी मौत हो गई। हर कोई बिना वजह मुझे मारा करता था, मेरी परवरिश एक गुलाम की तरह हुई। तू स्कूल क्यों नहीं गया यार? सोचा तू तो बहुत होशियार है, जब तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये बता, सबसे पहले चांद पर बाया पैर किसने रखा था? तो मैं भी जानना चाहता हूँ, पर कोई जवाब ही नहीं देता। जब लोग आसान सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो इतने मुश्किल सवाल का जवाब कैसे देंगे? तू भी ना। क्या सोया है? उठना। क्या हुआ? उठेगा तो बताऊंगा ना। चलो ये पकड़, रोज 108 घड़े पानी डालना होगा, इससे वक्त भी कट जाएगा और पुण्य भी मिलेगा। भगवान जी तुझे हमेशा रास्ता दिखाएंगे। और तुझे? ए, इन्होंने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, तू बस अपने बारे में सोच। भगवान गणेश से मेरी हमेशा बात होती है, अब बस यहाँ खड़ा ही रहेगा क्या? जा पानी ला। उस दिन से भगवान गणेश मेरी दुनिया बन गए, मेरी सुबह उनके साथ ही होती थी। 108 बार डालना है, पहला मटका। भगवान गणेश जिनकी मैं पूजा करता था, उन्होंने एक दिन मुझे इस लड़की से मिलवाया। कैसे भाग रही है? उससे बछड़ा संभाला नहीं जा रहा है, तू जाकर मदद करना, बहुत खुश हो जाएगी। वो हमसे टकरा जाएगा, फिर जाते हैं। जानता है तेरे दादाजी कितने बहादुर थे, तू बुजदिल कैसे हो सकता है? जाके उसको पकड़ ले, इतना डर मत, तुझे उसको पकड़ना ही होगा। छोड़ना मत उसको। तेरे गले की घंटी मिल गई। ए, घंटी इधर दे। अरे इससे मारूंगा तुझे। जस्ट मिस्ड हो गया। देख रही है मेरा दोस्त डर से कितना कांप रहा है, लेकिन फिर भी उसने तेरी मदद करने की कोशिश की। उसे पकड़ नहीं सकती थी, अगर इसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? मैंने तुमसे मदद मांगी थी क्या? मांगी क्या? रास्ते से हट कह के चिल्ला रही थी, सुना नहीं देता क्या? पागल बन के ऐसे बीच रास्ते में खड़े रहोगे तो बछड़ा तो पागल हो ही जाएगा। तू घबरा मत, मैं अच्छे से जानता हूँ इस तरह की लड़कियों को। चल चल चल, जगह खाली कर जगह, चले। अरे अपने आप को समझती क्या है? इस गाँव में मारने के लिए पत्थर मिलता है या नहीं मिलता?
हे, हम यहाँ के बहुत खतरनाक लोग हैं, हमसे उलझना मत। देखा ना कैसे डर गई। बच गया ना। जरा बता मुझे, क्या मैं पागल दिखता हूँ? वो मैं इतने सालों से तेरे साथ में हूँ, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। ज्यादा सोच मत, तू सीधा चलता रहे और अचानक मुड़ कर देख ले, फिर मैं देखकर बताता हूँ। मम्मी, थोड़ा थोड़ा लगता तो है। एक मिनट। हाँ, क्यों ना इसके बाल मेरे जैसे काट दो। मेरे जैसी हेयर स्टाइल पूरे गांव में नहीं है। लात खाएगा? लात को नीचे रख। किसे दिखा रहा है जो यहाँ बाल कटवाने आया है? हे, पहले इसको पकड़। ये सब इसकी वजह से हो रहा है। और देश की है। अरे मैंने क्या किया है? अरे मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, पकड़ पकड़ दिया हुई भाई। अरे मारो मत। नहीं नहीं। ओम गजानना पूत गणादि सेविता कपित जंबो बलिसार भक्षितम उमासुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यूरेनियम है वो, बंजर जमीन है, अगर बेचना भी चाहो तो कोई नहीं खरीदने वाला, और अगर कोई खरीदेगा तो एक एकड़ के 50,000 से ज्यादा नहीं देने वाला। पर वो तुम्हें एक एकड़ के 5,00,000 देंगे, जो हुए 300 एकड़ के 15 करोड़। मुंबई की पार्टी है। बोलो क्या कहते हो? हाँ, 15 करोड़ दे रहे हैं। हाँ। उस जमीन में ऐसा क्या खास है? जरूर उसमें सोना होगा। हाँ। सुनिए, आपको उल्लू बना रहे हैं, जाकर पूछिए। यूरेनियम है, देखने से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आने वाला। यूरेनियम क्या चीज होती है? तुम्हें जानने की क्या जरूरत है? वो तुम्हें तुम्हारी जमीन की दुगनी कीमत दे रहे हैं, वो चुपचाप ले लो, जो मिलता उसे लेकर खुश रहो। अगर सरकार को इसका पता चल गया तो वो तुम्हारी जमीन जब्त कर लेगी। चलो इन्हें एडवांस दे दो। ये मुझे दो। हम रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं, चलो। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सौदा है, मैं कागजात की जांच करवा रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों चेक कर रहे हैं? ये कागजात तो ठीक है, पर जमीन के मालिक का बनाया हुआ आखिरी कागज कहाँ है? ये रहे कागजात। ए, इसने जो कागजात दिए वो तुमने चेक क्यों नहीं किए? एडवांस लेकर तुम हमें ठगना चाहते हो क्या? ए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो। तुमने कहा था कि ये जायदाद तुम्हारे पिता की है, तुम्हारे पिता ने कभी कोई वसीयत बनाई भी थी क्या? जब तक तुम्हारे पिता जिंदा थे तब तक तुम जायदाद का मजा ले सकते थे, अभी तुम जायदाद को चाटोगे क्या? क्योंकि इस जमीन को बेचने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे बड़े बेटे कुमार को ही है।